हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी है शाम का समय और बज रहे हैं घड़ी में 5। तो अभी मैं शाम को बच्चों ने कहा कि कुछ खाने का मन हो रहा है मम्मा, तो मैं बस किचन में आ गई और बनाने लगी बच्चों के लिए गर्मा गर्म चाउमीन। और ठंडा का मौसम में भी थोड़ा सा भूख जल्दी लग भी जाता है। हमारे एक साथ तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था और आज मैं बना रही थी फुल वेजिटेबल चाउमीन। बहुत सारे वेजिटेबल भर भर के मैं इसमें डालूंगी और चाउमीन बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे तो कुछ भी खाने से रहें। तो यहाँ पे मैं गलती से डाल दी थी सोयाबीन ऑयल, लेकिन बहुत लोग बनाते हैं सोयाबीन ऑयल में, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे ना मस्टर्ड ऑयल में ही चाउमीन पसंद है, तो इसलिए मैं डब्बा में जो है वापस उसको निकाल दी, ताकि ज़्यादा गर्म हो जाने से फिर डब्बा जल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद जितने देख सकती इतना सारा वेजिटेबल जो है वो सब इसमें डाल के और आज चाउमीन बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बन के तैयार भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें मैं सोयाबीन चिंक्स भी डालूंगी, उसको मैंने फ्राई करके साइड में रख लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। और शाम को जैसे आप खाना पीना तो 2 बजे तक हमारा हो जाता है, तो उसके बाद 4-5 बजे 5:30 बजे लगता है कि कुछ खाने जाएं, कुछ खाएं, क्योंकि थोड़ा सा भूख भूख जैसा लगने लगता है। तो और वैसे भी बच्चों को जब तक शाम का नाश्ता नहीं दो ना, तो वो पढ़ने नहीं बैठते हैं, मन से पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते पढ़ते ही उन्हें भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्त मैं इसमें शिमली मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, प्याज वगैरह सब डालकर और चाउमीन बनाऊँगी। यहाँ पे चाउमीन भी बॉयल हो गया। यहाँ पे सोयाबीन चिंक्स जो है वो भी मैंने इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में और फ्राई कर लिया हल्का सा नमक और मैगी मसाला दे करके। इससे जो है ना सोयाबीन चिंक्स में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, ये स्मिथ एंड जोन्स का है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे जल्दी हमारे घर में ये सब बनता नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा लगा कि मुझे भी लगा कि कुछ आज स्पेशल अच्छा से बनाया जाए। तो बस मैं यहाँ पे लग गई और नमक वगैरह डालकर मैं थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सॉस वगैरह वाला मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे चाउमीन मसाला था, उस सबको मैंने डाल के अच्छे से भून के अच्छे से मैंने पका लिया सारी सब्जियों को भी। तो उसके बाद बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि जल्दी बनाना है मम्मी, जल्दी बनाइए, भूख लगी है, क्योंकि देखते देखते समय भी कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना पीना खाते, हमारा काम धाम होते मतलब 4, 4:30, 5 बज ही जाता है। ठंड के मौसम में तो बिल्कुल समय का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कैसे कब। और आजकल के बच्चों को भी समय नहीं है खुद के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चाउमीन ऐड कर रही हूँ और उसके बाद अच्छे से इसको 5-10 मिनट पकाऊंगी, भून लूँगी। चाउमीन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी पड़ गई, और लोहे की कढ़ाई में मैं खास करके बनाती हूँ ना, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है। और जब भी मैं और एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाऊँगी तो उसमें मेरा चाउमीन ना बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए मैं ना जब भी चाउमीन पास्ता वगैरह जो भी होता है मैं लोहे वाले कढ़ाई में बनाती हूँ, ताकि कितना भी देर तक आप पका लो ना ये चिपकेगा ही नहीं और जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्त टेस्टी टेस्टी सा चाउमीन हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो अब बस फटाफट से जैसे ही हमारा चाउमीन रेडी हो जाता है, बस बच्चों को पता चल जाता है और वो दौड़ कर आ जाते हैं कि मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा। ये दोनों बच्चों का यही है। तो अभी मैं यहाँ बच्चों के लिए निकाल रही हूँ और अपने लिए भी निकालूंगी। और देख सकते हैं अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही नाक में स्मेल जाएगी वो कूद कर आएंगे मेरे पास। तो लगता है छुटकी का नाक में स्मेल चला गया था और वो जल्दी से दौड़ कर आ गई और अपने भैया को ही बुला ली। बस क्या था, उसको भी आने में टाइम थोड़ी लगता। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा, लेकिन बच्चे जो हैं वो देखे कि मम्मा का रिकॉर्डिंग चल रहा है तो फिर साइड हो गए। और रिशु की यहाँ पे बदमाशी, ये इतना ज़्यादा शैतानी करेगा ना, जब भी मेरा कैमरा ऑन रहेगा ना इसे बहुत ज़्यादा शैतानी करनी है। तो बस इसको देखना है कि मेरे प्लेट में थोड़ा और डाल दिया जाए, इसलिए ये यहाँ से हटेगा ही नहीं। क्या करूँ, बच्चे हैं, अच्छा लगता है इन लोगों के साथ, मन भी लगता है। तो यहाँ पे हम लोग सब अपने अपने लिए सबके लिए हम लोग निकाल रहे हैं तीनों के लिए। और तीनों देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे किस तरह देख रहे हैं
कि मतलब क्या ही बोलूँ, आप आई होप आप लोग के भी घर में ऐसे ही बच्चे लोग करते होंगे। मतलब बच्चों को जितना खाना सब्जियाँ दाल चावल पसंद नहीं है ना, उतना फास्ट फूड आप दे दो ना, क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ वैसे ये सब मेरे घर में कम ही बनते हैं, तो वैसे मेरे बच्चे ऐसे हैं भी नहीं कि हाँ ये नहीं खाऊँगा वो नहीं खाऊँगा, डर से उन्हें सब कुछ खाना पड़ता है। और यहाँ पे चुटकी जो है वो अपना लेके चली गई और रिशु भी लेके चला गया, अब बस मेरी बारी है तो मैं भी जा रही हूँ बच्चों के साथ बैठ के खाऊंगी। तो मैंने भी अपने लिए यहाँ पे सर्व कर लिया और देख सकते हैं वो लोग टीवी देख रहे हैं और अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद वो लोग पढ़ने बैठेंगे यहाँ पे। चुटकी जो है वो मेरी तारीफ़ कर रही थी कि मम्मा बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा टेस्टी बनाई हो। तो पहली बार मैंने सोयाबीन बड़ी जो है वो भी ऐड किया इसमें, क्योंकि मुझे मन था कि आज बहुत अच्छे से बनाया जाए। तो बस हमारा नाश्ता पानी हो गया, तो यहाँ पे मैंने बनाया था रैम्बो के लिए खाना, जो वो भी प्रेशर निकल चुका था उसका, कुकर में बनता है चावल और चिकन था। तो यहाँ पे मैं उसका उसके लिए भी खाना निकाल रही हूँ। देख सकते हैं शाम कितना हो चुका है, और ये सब जो पाइप वगैरह है ना वो सब मैं अपने पौधों में पानी पटाती हूँ, तो वही सब रखा हुआ, उसको मैं फोल्ड करके नहीं रखी। तो यहाँ पे मैं रैम्बो का भी खाना निकाल रही हूँ, खाना बहुत ज़्यादा गर्म था और तो इसलिए मैंने अपना नाश्ता करने के बाद फिर सोची कि उसको भी खाना खिलाकर और उसको भी घुमाना पड़ता है, उसके बाद ही मैं बाहर का काम से फ्री हो पाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा ही गर्म था फ्रेंड्स, मतलब क्योंकि लेट से आज उसका खाना भी बना ना, तो यहाँ पे मैं बस फटाफट से उसका खाना निकाल रही हूँ। और ठंड के मौसम में क्या होता है ना कि कितना भी आप सोच लो कि पता नहीं कैसे कैसे समय ही निकल जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। और वही आप गर्मी के दिन में देखो तो हो जाता है क्या करूँ, जबकि सुबह उठने से भी मेरा तो सुबह हमेशा 5 बजे मुझे उठना ही है। तो यहाँ पे मैं कुकर में तो है पानी डाल के और रख दूँगी, क्योंकि फिर ये सूख जाता है बर्तन तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो वही मैं पूरा पानी इसमें भर के और साइड में रख दूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे रैम्बो के लिए खाना निकल चुका है, वो उसके भी नाक में सेंट चला गया इसलिए वो भी बहुत हड़बड़ा रहा था। यहाँ पे खाना थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म था बर्तन, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं रैम्बो का जो यहाँ पे कंबल है उसको अच्छे से कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बैठता है, ठंड भी है ना तो यहीं पे वो बैठता नहीं है, वो सब कुछ समेट देता है, वो बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसे ठंड लगती है तो वो यहाँ पे बैठ जाता है। तो वो देख रहा है कि मेरा खाना कब आएगा, उसे पता चल गया कि मेरा खाना भी बन गया है, क्योंकि वो अपने बर्तन का आवाज़ से उसे समझ में आ जाता है। तो देख सकते हो कितना मस्त एकदम पूछ हिला रहा है अपना और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं उसका खाना रख दी और बस वो भी टूट पड़ा उसमें खाने में पूरा एकदम, अब मस्ती से वो अपना खाना इंजॉय करेगा। तो देख सकते हैं इस टाइम पे मतलब इस टाइम उसे कोई भी डिस्टर्ब करे ये रैम्बो को पसंद नहीं है कि खाते समय उसे कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई भी परेशान करे। तो मस्त अपना पूंछ को हिलाते हुए एकदम मज़े से वो अपना चिकन चावल का आनंद ले रहा है। तो इसका चिकन चावल रोज़ बनता है ना, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि ये रैम्बो का ही कितना अच्छा, मम्मा इसे रोज़ चिकन चावल मिलता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी तरह सब कुछ तो खा नहीं सकता ना, इसलिए ये जब तक चिकन नहीं खाएगा इसका पेट नहीं भरेगा। और ज़्यादा नहीं, 4-5 पीस ही हम इसमें डाल देते हैं और बॉईल कर देते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। यहाँ पे मेरा पौधा भी कुछ लगा और देख सकते हैं शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस आज के लिए यहीं पे वीडियो को रखते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, भारत माता की जय।